पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दानिश तैमूर को एक ड्रामे की ऑफर हुई है और ये ड्रामा होने वाला है मतलब इश्क है दीवानगी और कैसी तेरी खुदगर्जी जैसा। मतलब इसमें वो एक आशिक टाइप का रोल अदा करते नजर आएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ड्रामे में उनके ऑपोजिट यमुना, हिबा, केंजा या फिर हमें दुरे फिशा देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन आई है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो दानिश तैमूर चांद तारा जैसा एक एवरेज ड्रामा देने के बाद अब वापस अपने फॉर्म में आ गए हैं और अपने सिक्स पैक को री एनहेंस कर लिया है और अब हमें एक आशिकी वाले रोल में वो दोबारा नजर आने वाले हैं। ड्रामे का नाम कुछ इसी तरह का होगा, बेहद इश्क जुनून, जैसे उनके मतलब ड्रामास के इंटेंस नाम होते हैं। तो अभी उन्होंने स्क्रिप्ट को प्रूव कर दिया है, ड्रामा साइन कर लिया है, ड्रामे की मतलब स्क्रिप्ट की डिस्कशन हो चुकी है और अब ड्रामे ने बस फ्लोर्स पे जाना है, इसकी शूटिंग स्टार्ट होनी है और अगले कुछ ही दिनों में हमें दानिश तैमूर ऑफिशियली अनाउंस करके बता देंगे कि उनके करेक्टर का नाम इस ड्रामे में क्या होने वाला है, क्योंकि उनके करेक्टर के नाम काफी ज्यादा फेमस होते हैं। मतलब आपको पता है कि शमशेर और इस तरह के मुझे अभी याद नहीं है, तो नाम काफी फेमस होते हैं। तो सबसे पहले वो ड्रामे की अनाउंसमेंट करेंगे कि ड्रामा किस टाइप का है, वो तो हमें वो पहले बता चुके हैं, और फिर अनाउंसमेंट करेंगे कि ड्रामे में उनका नाम क्या होने वाला है। साथ में शायद लुक भी रिवील कर देंगे कि उनकी लुक किस तरह की होने वाली है। इस दफा सिक्स पैक एब्स और कुछ डिफरेंट लुक उनका शायद ऐसा होने वाला है। और कुछ ये भी चांसेस है कि ये ड्रामा जो है वो जियो टीवी पर आएगा। अब आप जरूर बताइएगा कि आप इस ड्रामे के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, आप इस ड्रामे का क्या नेम सजेस्ट करते हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि दानिश तैमूर का इस ड्रामे में नेम क्या होना चाहिए, करेक्टर नेम। आपका जो भी फीडबैक हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।